नमस्कार, रत्ना स्टिचिंग क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लाजो की कटिंग, ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको उसी प्लाजो के ऊपर पहनने वाला लॉन्ग कुर्ता, उसकी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम तैयार करते हैं लॉन्ग कुर्ती की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। चलिए, ये हमने लेडीज़ कुर्ता का कपड़ा यहाँ बिछा दिया हुआ है। ये कपड़े को हमने लंबाई में दोहरा और चौड़ाई में चार पर रख लिया हुआ है। हमारी कुर्ते की लंबाई है 42 है, तो हमने कुर्ते की लंबाई ली हुई है 43। ठीक है, 43 ली हुई है और हमारा चेस्ट है 44। तो ये चौथाई भाग उसका हुआ 11। ये हमने 11 लिया हुआ है, से एक इंच ज़्यादा लिया हुआ है ताकि हम मार्जिन रख सकें। ठीक है, एक इंच 11 से ज़्यादा लिया हुआ, चेस्ट 44 है ताकि हम एक इंच मार्जिन रख सकें। और ये शोल्डर हमने, ये हमारा शोल्डर है 17 है, तो हमने 8.5 लिया हुआ है। ये शोल्डर हमारा 8.5 है क्योंकि हमारा शोल्डर है 17 इंच। तो ठीक है, इस तरह हमने इसको यहाँ पे ये मार्क कर लिया है यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब हम इसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये हमने जो कुर्ते की लंबाई ली हुई है उसमें हम 2 इंच का निशान लगा दिया है, जिसको हम नीचे मोड़ के लिए चला जाएगा। ये हमने इस तरह इसको ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा ये हिस्सा नीचे कुर्ता में मोड़ के लिए चला जाएगा। ठीक है, अब हम ऊपर देख रहे हैं। ऊपर हमने जो शोल्डर लिया हुआ है 8.5 लिया हुआ है, हैं, और ये फुल हमारा 12 है। ठीक है, तो 3 इंच में हम यहाँ 3 इंच में निशान लगा देंगे। क्योंकि ये बड़ा कुर्ता बन रहा है इसलिए हम यहाँ 2.5 इंच या 2 इंच ना लेके 3 इंच ले रहे हैं। तो ये 3 इंच में हम ये बाजू कट करेंगे। ठीक है, ये 0.5 सेंटीमीटर हमने शोल्डर का निशान लगा दिया यहाँ पे। ये 0.5 सेंटीमीटर शोल्डर का निशान लगा दिया और ये अब हम बाजू यहाँ से भी हम 8 ले लेंगे। ये हमने बाजू 8 लिया हुआ है और यहाँ से भी ये 8 ले लिया हुआ है। ठीक है, अब इस तरह हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ कर लिया है और हम इसको इस तरह से ये मिला दें। याद रहे ये हमारा लाइट ड्रॉ हो रहा है, यानी हम ये पीछे के पल्ले में निशान लगा रहे हैं। ठीक है, और जब हम कुर्ता का एग्जैक्ट नाप लेते हैं उसमें हमेशा 2 इंच मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच ये मार्जिन रखा हुआ है। ठीक है, ताकि हम कुर्ते का ढीला या टाइट कर सके उसके लिए मार्जिन छोड़ना ज़रूरी है। तो ये हमने ये 2 इंच पूरे में मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब हम इसको ये निशान लगाने के बाद, शोल्डर का निशान लगाने के बाद बाजू, अब हम इसको धीरे से यहाँ पे ये बाजू से गोलाई करके यहाँ पे ये निशान लगा देंगे। ये और जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है उस पर भी हम धीरे से ये यहाँ लाके मिला देंगे। एक यहाँ कट लगाएंगे, जब हम ये बाजू जो खुला भाग है इसको जब हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ एक कट लगा लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये ड्राफ्टिंग हो गई है रेडी। यहाँ पर हम गला निकालेंगे, तो गला अभी हम छोटा रख रहे हैं, 3 इंच में काटते हैं। क्योंकि अब हम इसमें हाई नेक कॉलर बताने वाले हैं इसलिए गला छोटा ही रख रहे हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इस छोटी गले को हम थोड़ा गहरा ज़रूर करेंगे, तो इसको हम 1 इंच में ये गहरा काट लेंगे। ये यूं करके ये गोल, याद रहे ये हम हाई नेक गला बताने जा रहे हैं, हाई नेक कॉलर। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं।
चलिए ये हम कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये बाजू निकालते हैं और ये कटिंग करते हैं। तो हम ये जो ड्रॉ किया हुआ है इसके थोड़ा दूर से ही कटिंग करेंगे। ये और ये जो हमने सेकंड मार्जिन वाला ड्रॉ लगाया हुआ है यहाँ से कटिंग करेंगे। ठीक है, और ये हम ये गला कट करेंगे। ये जो हम 1 सेंटीमीटर का शोल्डर कट किए कंधा वो हम काट दे रहे हैं। तो ये हमारा गला कटिंग हो गया, ये शोल्डर कटिंग हो गया और ये बाजू कट हो गया। यहाँ हमने जो हमने मार्जिन छोड़ा था उस पर कटिंग किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे जो हमने बोला जो हम फोल्ड करेंगे तो एक यहाँ कट लगाएंगे हम यहाँ पे। ये कट लगेगा, इसी से हम ये यूं करके पूरा ये फोल्ड करेंगे कपड़ा नीचे का। तो हम ये एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दे रहे हैं। यहाँ हम ये एक यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे कि यहाँ से नीचे का मोल लगे। ये हमने कट मार दिया है, लगा दिया है और ये हमारा बाजू कट हो गया है, ये शोल्डर कट हो गया। तो अब हमने ये पूरा दोनों पल्ला एक सा कटा हुआ है तो हम इसको ये पीछे के पल्ले को ये चलिए सामने का पल्ला है तो इस सामने के पल्ले में हम ये जो बाजू कट किए हैं इसको थोड़ा सा गहराई लेके और कट करेंगे। तो इसको हम ये यूं ड्रॉ कर लेते हैं और ये यहाँ मिला देंगे, ठीक है। और ये हम ये 3 इंच में यहाँ से हम ये गोल गला 3 इंच में इसको यहाँ पे ड्रॉ करके इसको यहाँ पे ये गोल करेंगे। याद रहे ये हम हाई नेक कॉलर बताने जा रहे हैं इसलिए हमने छोटा गला रखा हुआ है इसको। ये अब हम ये इसकी ये कटिंग करेंगे। ये बाजू थोड़ा सा गहरा काट रहे हैं, सामने का पल्ला है तो ये इस तरह हमने ये बाजू थोड़ा गहराई में कट कर लिया है। अब हम ये गला करने जा रहे हैं। गला हम छोटा ही काटेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो उसके अपने अनुसार छटिंग कर लेंगे। अभी हमने गला छोटा ही काटा है और इसको जितना हमको यहाँ पे खोलना है उतना हम ये कट लगा देंगे। ये अब हम आस्तीन बनाने जा रहे हैं, आस्तीन की कटिंग करने जा रहे हैं। तो कपड़े को हमने उसी तरह लिया है, लंबाई में 2 रह और चौड़ाई में 4 पर। तो आस्तीन की लंबाई है हमारी 18, तैयार हमें चाहिए 16, 16.5। तो हमने 1 इंच इसमें ज़्यादा लिया हुआ ताकि ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमने चौड़ाई ली हुई है 8 इंच।
चूँकि कुर्ते में बाजू हमने 8 में काटा है तो इसे भी हम 8 में रखेंगे। ठीक है, इसको अब हम यहाँ से ये इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम ये 2.5 इंच में, 2.5 इंच में आस्तीन को इस तरह से इसको ये निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे एक इंच हम यहाँ पे यहाँ निशान लगा देंगे और इसको इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह तिरछा। और ये 1 इंच जो हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा, ये हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम इसको कटिंग करने जा रहे हैं, तो ये हम ये इसको ऊपर तक मिला देंगे ये, और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और इसको यहाँ से ये अलग कर देंगे। इस तरह ये हमारी 2 आस्तीन तैयार हो गई है, ये और ये की 2 आस्तीन तैयार हो गई है। तो ये हमारा सामने का पल्ला हो गया है। चलो फिर से करो। ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया है और ये हमारा हो गया है सामने का पल्ला। ये सामने का पल्ला हो गया है, ठीक है। और ये हमारी आस्तीन कट हो गई है, ये हमारी। सबसे पहले हम इसका ये शोल्डर जॉइंट करेंगे, दोनों साइड का शोल्डर जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम नीचे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद, दोनों साइड में फोल्ड करने के बाद, जो हमने यहाँ कट लगाया हुआ है इसको हम यूं करके फोल्ड करेंगे। दोनों पल्लों को इस तरह रेडी करेंगे, ठीक है, और ये शोल्डर को जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम ये आस्तीन जो हमने कटिंग की है इसको हम इसमें जॉइंट करेंगे, ठीक है। ये आस्तीन को जॉइंट करने के पहले यहाँ पर हमने पिंक कलर का जो लोवर था उसमें हम एक पट्टी देंगे, ये आस्तीन हम जब जॉइंट करेंगे तो उसके पहले हम इसमें से एक पट्टी निकालेंगे। इस तरह की पट्टी निकाल के इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। पट्टी निकालते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि ये पूरे स्टार एक लाइन से आए, ठीक है, ये पूरे स्टार एक लाइन से आए। तो हम इसमें से 2 पट्टी निकाल के यहाँ पर लगाएंगे। चलिए हम सिलाई करते हैं। चलिए ये हमने
आस्तीन में लगाने के लिए दो पट्टी काट के रखी हुई है। इस पट्टी को हमने इस तरह से काटा हुआ है कि पूरे स्टार एक साथ लाइन से दिखाई दे। अब इस पट्टी को हम ये आस्तीन में इस तरह से फिट कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। दोनों आस्तीन के लिए रखा हुआ है, ये इस पर लगेगी और ये इस पर लगाएंगे, ठीक है। इस तरह ये आस्तीन में हम पट्टी लगा के और फिर इसको उसमें अटैच कर देंगे पल्ले में, ठीक है। और ये हमने ये रखा हुआ है, ये पट्टी हमने ये देखिए सामने के पल्ले में जो गला बनाना है, हाई नेक गला हम बना रहे हैं तो इसमें हम ये पट्टी को लगाएंगे, ठीक है। तो ये पट्टी हमारी जिस तरह हमने सादे फ्रॉक में बताया था काज बटन पट्टी, उसी तरह से ठीक लगाई जाएगी। इस पट्टी को हम इस तरह लगाएंगे और इसको इस तरह लगा के इसको ये अंदर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से एक हमारी पट्टी होगी बढ़ी हुई और एक पट्टी होगी जो अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये अंदर चली जाएगी, ये चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। चलिए ये हमारा लेडीज लॉन्ग कुर्ता रेडी हो गया है, जो प्लाजो के ऊपर हम रेडी कर रहे थे। तो अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, अभी हमने इसको कॉलर बताने वाले हैं। तो इसमें हमने ये साइड में सिलाई कर लिया है, दोनों साइड ये साइड सिलाई कर लिया है और नीचे फोल्ड कर दिया है, इतना काम कर लिया है। और ये आस्तीन में ये पट्टी बैठा ली है और ये आस्तीन को इसमें ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है। अब हम आपको कॉलर बताने वाले हैं। तो कॉलर बताने के लिए हमको ये यहाँ पर 6 इंच का खोलना पड़ा, कट लगाना पड़ा। तो ये हमने जो इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी बताई है तो दोनों बड़ी हुई लगेंगी। जैसे हम सादे फ्रॉक में एक बड़ी हुई पट्टी लगती है और एक अंदर फोल्ड जाती है, लेकिन इसमें दोनों बड़ी हुई पट्टी लगेंगी, ये इस तरह से दोनों बड़ी हुई, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बैठ सकें, ठीक है। ये दोनों बड़ी हुई पट्टी लगी हुई है। अब इसके ऊपर हम ये कॉलर बैठाने जा रहे हैं, स्टाइल कलर, हाई नेक कलर कॉलर। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये इसका नाप लेंगे हम, ठीक है, इसका नाप लेंगे। तो चलिए हम कॉलर की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है डबल, तो हम दो कलर में कॉलर लगाने जा रहे हैं। ऊपर वाइट होगा और नीचे पिंक होगा, ठीक है, ऊपर वाइट और नीचे पिंक, इस तरह हम इसको हाई नेक कलर बताएंगे। तो इसके लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है, ये हमने देखे यहाँ से 2 इंच लिया हुआ है और यहाँ भी 2 इंच में निशान लगाया हुआ है, ये 2 इंच में और ये 2 इंच में, इस तरह हम निशान लगा लेंगे इसको, ये इस तरह ये कर लेंगे। अब हम इसको जो कॉलर हम लिए हैं, हम आपको बता रहे हैं ये कॉलर, इसको इस तरह बैठा के नाप ले लेंगे ताकि इसकी नाप के कटेंगे। तो ये यहाँ से ये यहाँ से हम नाप लेंगे, ये इस तरह से नाप ले लेंगे और ये इधर तक आए। तो इससे हम 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर बड़ा काटेंगे ताकि वो सिलाई में जाएगा। तो चलिए अब इसको हम कट करते हैं। ये हमने लग कर दिया है और यहाँ पर हम थोड़ा सा एक राउंड कर देते हैं, जरा सा एकदम। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम ये थोड़ा सा राउंड करेंगे, इसको राउंड करके यूं मिला देंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको यहाँ पे ये राउंड कर दिए, सिलने में आएगी। और नीचे भी हम इसको बराबर कर लेते हैं, ये जो अलग से कपड़ा है इसको भी हम बराबर कर लेते हैं।
ये देखिए, ये इस तरह ये कलर हमारी हो गई है रेडी। तो अब इस कलर को हम वाइट को बाहर के हिस्से में रखेंगे इस तरह से, इस तरह से बाहर रहेगी, सॉरी ये इस तरह से बाहर रहेगी, और ये अंदर अंदर के हिस्से में हम पिंक रखेंगे। तो ये इस साइड से रहेगी ये कलर। अब हम यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम एक सिलाई मार लेंगे, लगा लेंगे सिलाई यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, और ये कलर हमारी जब लगेगी तो इस तरह से आएगी, ठीक है। इसको सिलाई मारने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे, सीधा करने के बाद उसमें फिट करेंगे और ये कलर इस तरह आएगी। चलिए अब हम सिलाई करते हैं। ये हमने कॉलर रेडी कर ली है। हमने जैसा कि आपको बताया था, हमने डबल कपड़ा इसको काटा था, इसके अंदर अस्तर के रूप में भी इसी को रखा हुआ है। इसको चारों तरफ से सिलाई करके इसको मोड़ लिया है। तो इस तरह ये कॉलर रेडी हो गई है। ये हमारी कॉलर हाई नेक कॉलर रेडी हो गई। अब इसको हम लगाने के लिए ये जो गला काटा हुआ हमने इसको इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये नाप ले रहे हैं ये, और ये हमारा ये कॉलर पूरा पूरा आ रहा है, ये देखिए। तो इस कॉलर को अब हम इस गले में बैठा लेंगे। बैठाने से पहले हम इसमें ये सेंटर है तो छोटा सा कट लगाएंगे। ये हमारा कट ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है, और इसमें भी हम ये छोटा सा कट लगाए हुए हैं। जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे इसमें जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है जो हमने कट लगाया हुआ है इसको हम यहाँ पर ही ज्वाइंट करेंगे, ठीक है ये। और हमने ये डबल कलर का कलर बनाया है, वाइट और पिंक। तो वाइट हमारा ऊपर रहेगा, पिंक हमारा नीचे रहेगा। तो ये इस तरह से कलर हमारी आएगी, ये इस तरह से स्टर्न कलर ये इस तरह से आएगी। चलिए अब हम इसको इस तरह से लगा के वाइट वाला हिस्सा हमको बाहर रखना है तो नीचे रहेगा। इसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे और पूरे में सिलाई करके इसको इस तरह से इसको इस तरह पलट के सिल देंगे इस तरह से। तो ये कलर इस तरह से बैठ जाएगी। चलिए अब हम सिलाई करते हैं। चलिए ये हमारा लॉन्ग कुर्ता रेडी हो गया है प्लाजो के ऊपर पहनने वाला। तो ये हमने आस्तीन लगाई इसलिए ये पट्टी लगा दी है, और ये हमने हाई नेक गला बना दिया हुआ है, ठीक है। हाई नेक कॉलर तैयार कर दिया। तो ये हमारा लॉन्ग कुर्ता रेडी हो गया है। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती जाए। धन्यवाद।